जी हाँ दोस्तों, UIDAI ने गांव गांव कैंप लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब आपको किसी भी आधार सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप अपने गांव में ही कैंप लगवा के अपना नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं, आधार कार्ड में सुधार करा सकते हैं। अगर आपको मोबाइल नंबर जुड़वाना हो, ईमेल आईडी जुड़वाना हो, मतलब कि सब कुछ A to Z प्रोसेस आप अपने गाँव में ही करवा सकते हैं, वो भी सरकारी शुल्क पे, आपसे एक भी रुपये एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। जो भी सरकारी फीस होगा उसको आपको दे देना है और उसका पेमेंट भी आपको ऑनलाइन करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे इस कैंप को आप अपने गांव अपने घर पे लगवाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप में किसी भी इंटरनेट ब्राउजर में सर्च करना है UIDAI। दोस्तों, सर्च करते ही जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा ये UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो डायरेक्ट वहां से चेकआउट कर सकते हैं। देन यहां पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद से इस पॉपअप को यहां से क्लोज करना है, माई आधार में आना है, बुक अपॉइंटमेंट में आना है। दोस्तों, आप टेंशन ना लीजिएगा, ये बुक अपॉइंटमेंट करने के लिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, आप ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल नया और अलग प्रोसेस है। यहां पे आपको सेलेक्ट सिटी में आपको अपने सिटी का नाम टाइप कर देना है, अगर आपके सिटी का नाम नहीं आता है तो अपने अगल बगल वाले सिटी का नाम जो है वो आप टाइप कर सकते हैं। देन आपको यहां पे प्रोसेस टू बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, यहां पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं आधार स्पेशल सर्विस कैंप। दोस्तों, ये जो ऑप्शन है ये नया इनेबल किया गया है। दोस्तों, इसी के थ्रू जो है आपके गांव में जो है आपका जो कैंप लगने वाला है वो लगेगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जहां भी आप कैंप लगवाना चाहते हैं वहां पे आपके पास स्पेस की सुविधा होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, चेयर होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो दोस्तों, ये इतनी चीजें अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप आधार कैंप अपने गांव पे लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पे आपको आधार स्पेशल सर्विस कैंप पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों, यहां पे आपको अपने एरिए का पिन कोड टाइप करना है। दोस्तों, अगर आपके एरिए के पिन कोड पे ये सर्विस अवेलेबल नहीं है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाले पिन कोड को भी यहां पे टाइप कर सकते हैं, या अपने अगल बगल वाले पिन कोड को भी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने एक पिन कोड टाइप किया, यहां पे सेलेक्ट करने के लिए आ गया, मैं इस पे सेलेक्ट कर देता हूं। सेलेक्ट करने के बाद से चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करता हूं। दोस्तों, यहां पे ये अवेलेबल है, जो पिन कोड यहां पे मैंने टाइप किया है इस पिन कोड पे ये सर्विस अवेलेबल है। अब यहां पे आधार कैंप पे क्लिक करना है। आधार कैंप पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों, यहां पे आपको अपना कोई सा भी एक मोबाइल नंबर टाइप करना है, इस कैप्चा कोड को यहां पे भर के जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। जनरेट OTP पे क्लिक करते ही आपके नंबर पे OTP सेंड हो जाएगा, उस OTP को यहाँ पे भर देना है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं टाइम जोन यहाँ पे चल रहा है, इस टाइम जोन के अंदर यहाँ पे फिलअप करके और वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों, यहाँ पे आपको एक नया पेज आपको इस टाइप से मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है कैंप रिक्वेस्ट रेस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। आप किसी स्कूल पे ये कैंप लगवाना चाहते हैं या किसी प्राइवेट संस्था में लगवाना चाहते हैं, जैसे कि किसी का दुकान हो गया, किसी का कॉमन सर्विस सेंटर हो गया, जनसेवा केंद्र हो गया, या पब्लिक एंटिटी, या आप सार्वजनिक स्थान पे लगाना चाहते हैं जहां पे सभी लोग आ सके, या किसी के घर पे लगवाना चाहते हैं, तो आपके अदर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मुझे अपने घर पे लगवाना है तो यहां पे मैं अदर पे क्लिक करके और यहां पे मैं अपना नाम जो है वो टाइप कर दूंगा। उसके बाद से यहाँ पे बिल्डिंग नेम दिया हुआ है तो बिल्डिंग नेम में भी मुझे अपना ही नाम जो है वो टाइप कर देना है, क्योंकि मेरे घर पे ही लग रहा है तो यहाँ पे बिल्डिंग नेम में मैं अपना ही नाम टाइप कर दूंगा। उसके बाद से दोस्तों, यहाँ पे विलेज में आपको क्लिक करके यहाँ पे आपका कौन सा विलेज है, आपको अपना जो विलेज है वो विलेज सेलेक्ट कर देना है। फिर पोस्ट ऑफिस दिया हुआ है, पोस्ट ऑफिस ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। देन दोस्तों, यहां पे बिल्डिंग नंबर दिया हुआ है तो यहां पे आपको अपना मकान संख्या, जो भी आपका मकान संख्या हो, आपको यहां पे टाइप कर देना है। यहां पे लोकेलिटी दिया हुआ है तो यहां पे आपको अपने गांव का ही नाम टाइप कर देना है। अगर आपके घर के आसपास किसी कोई भी सार्वजनिक स्थान है, जैसे कोई लैंडमार्क है, जैसे कि कोई स्कूल है, कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, तो यहां पे आप उसे भर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस कॉलम को छोड़ सकते हैं। स्ट्रीट रोड लेन में, इसमें अगर आपका कोई स्ट्रीट रोड लेन अगर है तो आप भर देंगे, अदरवाइज आप इसको भी छोड़ सकते हैं।
उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्टेक्ट पर्सन नेम, तो आप अपने घर पे लगवा रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको अपना ही नाम टाइप करना है। मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ पे आपका फिलअप है। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में यहाँ पे आपको अपना एक आईडी प्रूफ देना होगा, तो यहाँ पे कोई सा भी जितना इसमें लिस्ट में दिया हुआ है कोई सा भी एक आईडी प्रूफ दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस जो है अपना सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी टाइप कर देना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इस कॉलम को छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। अब दोस्तों यहां पे बताया जा रहा है ट्रांजेक्शन डिटेल्स, मिनिमम 20 ट्रांजेक्शंस इन इज रिक्वायर्ड टू बुक दिस कैंप। मतलब आप जो कैंप ये लगवा रहे हैं वहां पे कम से कम 20 ट्रांजेक्शन होने चाहिए। मतलब कि कम से कम नया और पुराना, मतलब नया आधार कार्ड बनवाने से लेके करेक्शन तक कम से कम 20 लोग एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए। तो यहां पे दिया हुआ है न्यू एनरोलमेंट आपके गांव में कितना है आपको यहां पे फिलअप कर देना है। डेमोग्राफिक अपडेट कितना है यहां पे आपको टाइप कर देना है। बायोमेट्रिक अपडेट कितना है यहां पे आपको टाइप कर देना है। डेमोग्राफिक प्लस बायोमेट्रिक अपडेट कितना है यहां पे आपको टाइप कर देना है। उसके बाद से यहां पे मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट कितना है यहां पे आपको टाइप कर देना है। डेमोग्राफिक प्लस मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट कितना है यहां पे आपको जो है वो टाइप कर देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ट्रांजेक्शन 20 हो गया है। अमाउंट पेबल आपको ₹150 पेमेंट करने हैं, और दोस्तों ये ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। जो आप आधार कैंप आपके यहाँ लगेगा उसमें किसी भी प्रकार का किसी से भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो जितने भी आपके गांव में लोग हैं यहाँ पे सबको यहाँ पे काउंट करके उन लोगों का क्या करना है उस हिसाब से यहाँ पे भर देंगे, और जो चार्ज यहाँ पे सरकारी चार्ज है आप उन सभी लोगों से इकट्ठा करके और एक लोग जो है जो इसको अप्लाई कर रहे हैं वो इसका ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते ही दोस्तों यहां पे आप किस डेट में ये कैंप लगवाना चाहते हैं, तो यहां पे कोई सा भी एक स्पेसिफिक डेट जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से दोस्तों यहां पे आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद से एक बार यहां पे पूरा कैंप रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स आ जाएगा, इसको एक बार आपको क्लियर यहां पे एक बार मिला लेना है। मिलाने के बाद से दोस्तों यहां पे आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। देन एक बार आपको ये आर यू श्योर करके आ जाएगा कि मतलब आप श्योर है ना सबमिट करने के लिए, तो यहां पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते ही दोस्तों यहां पे प्लीज मेक पेमेंट टू कंप्लीट द कैंप अपॉइंटमेंट आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जो ये कैंप लगवा रहे हैं इसमें नया आधार कार्ड तो फ्री होता है, बाकी और जो काम होते हैं उनका चार्ज होता है। तो वो चार्ज कैसे मालूम चलेगा, यहां पे आपको ट्रांजेक्शन डिटेल्स पे क्लिक करना है। ट्रांजेक्शन डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहां पे देख सकते हैं मैंने यहां पे 15 लोग नए लोग का यहां पे एंट्री किया है जिसका ₹1 नहीं चार्ज लगेगा। बाकी डेमोग्राफिक अपडेट मैंने किया है एक लोग का, तो जिसका ₹50 जो है वो सरकारी शुल्क है, तो यहां पे ₹50 वो शुल्क है। बायोमेट्रिक मैंने एक किया है तो बायोमेट्रिक का ₹100 शुल्क है, और यहां पे मैंडेटरी बायोमेट्रिक डेमोग्राफिक अपडेट मैंने 3 किया है उसका ₹1 चार्ज नहीं है, तो यहां पे वो 0 है। तो टोटल यहां पे 20 मेरा ट्रांजेक्शन है और ₹150 जो मुझे अमाउंट है पे करने हैं। तो जो भी आपके गांव में लोग होंगे जिनको भी जो भी चेंज कराना होगा यहां पे रेट आप देख सकते हैं, उस हिसाब से उनसे रेट ले सकते हैं। बाकी आपके यहां जो कैंप लगेगा उसमें ₹1 आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब दोस्तों इस पेमेंट को आपको ऑनलाइन ही करना होगा, तो यहां पे आपको ऑनलाइन पे क्लिक करना है, फिर पेयू पे क्लिक करना है। पेयू पे क्लिक करते ही दोस्तों यहां पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई आप तीनों के माध्यम से कर सकते हैं। फिर मैं यूपीआई से आपको बता रहा हूं, तो यूपीआई पे क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहां पे आपको यूपीआई पे क्लिक करना है। यहां पे आप देख सकते हैं पे बाय यूपीआई आईडी नंबर से आप पे कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, फोन पे से कर सकते हैं, भीम से कर सकते हैं, पेटीएम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे अगर मैं फोन पे क्लिक करता हूं तो यहां पे फोन पे का यूपीआई आईडी टाइप कर देना है। देन आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है और आपके फोन पे एक रिक्वेस्ट चला जाएगा, उसके थ्रू आपको पेमेंट अपने फोन पे के थ्रू पेमेंट कर देना है। तो ये पेमेंट आपका सफलतापूर्वक हो जाएगा और यहां पे आपको एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है या तो आप प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। और जो डेट आपने सेलेक्ट किया है उस डेट में आपके गांव जो है कैंप लगेगा, कैंप वाले आपके पास आएंगे और आने से पहले आपको फोन भी करेंगे जो कि आपने नंबर इसमें मेंशन किया है। दोस्तों जो जगह आपने दिया है उस जगह पे आप सारी व्यवस्थाएं करा देंगे, वहां पे कैंप लगेगा और जितने लोगों का आपने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है उन सभी लोगों का जो है यहां पे आप जो भी नया बनवाना हो या सुधार कराना हो आप करा सकते हैं। तो दोस्तों यूआईडीआई का एक ये बहुत ही अच्छा कदम है जो कि गांव गांव या
किसी शहर में भी अगर आप रहते हैं तो आपको किसी कैंप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने गांव कस्बे में ही बुला के कैंप लगवा के और बहुत ही आसानी तरीके से बिना भीड़ भाड़ के आप अपना आधार कार्ड नया बनवा भी सकते हैं और सुधार भी करा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको यह जानकारी हमारी पसंद आएगी, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।